हेलो एवरीवन, हियर वी डिस्कस सेम चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल, यानी मॉनसून की शुरुआत कब से होती है और वो विड्रॉ कब करता है। ड्यूरेशन, जो मॉनसून का ड्यूरेशन है वो 100 to 120 days है। 100 days से 120 days means जून टू मिड सेप्टेम्बर इसका पीरियड है। ये आपको नोट कर लेना है कि जो मॉनसून का टाइम पीरियड है 100 to 120 days और जो मंथ हैं वो अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर तक का है विद इन इंडिया। जैसा कि हम ये जानते हैं कि मॉनसूनल विंड्स हैं वो स्टेडी नहीं होती है, पल्सेटिंग इन नेचर होती है, यानी जो मॉनसूनल विंड है वो रिमेन सेम, सभी जगह एक जैसी नहीं होती है, उनमें बदलाव आता रहता है। कभी कभी आप देखते हैं कि बादल बहुत हल्के हैं, तेज़ी से जा रहे हैं, और कभी आप ये देखते हैं कि वो बहुत धीरे चल रहे हैं, यानी धीरे चलने का मतलब क्या है, उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्रेसिपिटेशन अमाउंट ज़्यादा है तो वो वहाँ बारिश ज़्यादा करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कहीं आगे जाके वहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, यानी जो मॉनसूनल विंड होती हैं वो हमेशा स्थिर नहीं होती हैं, उनमें बदलाव होता ही रहता है। और यही कारण है कि जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था पैसिफिक और इंडियन ओशन के प्रेशर और करंट का, उससे ही जो मॉनसूनल विंड हैं उनमें चेंजेस आते हैं और वही अलग अलग लैंड एरियाज़ में बारिश करती हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि इंडियन क्लाइमेट है, इंडियन मॉनसूनल विंड है, वो कहाँ से एंटर करती है, साउथ। साउथ से क्यों? क्योंकि सदर्न ओसिलेशन में जो चेंजेस आते हैं वहीं से इक्वेटर 20 डिग्री नॉर्थ में जो ईस्टर्ली फ्लो होता है वो साउथ वेस्ट से इंडिया में एंटर करता है। और इंडिया का जो लैंड है वो बाउंडेड बाय द 2 seas, 3 oceans, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन ओशन। तो ये जो हवाएं हैं वो इन्हीं समुद्र के ऊपर से, यानी यहीं से ओशन के ऊपर से जब इंडिया में एंटर करती हैं तो अलग अलग एरिया में बारिश की शुरुआत होती है। और वो टाइम क्या है? अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। अब हम बात करते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। जब हम देखते हैं कि जून के शुरुआत में कुछ हल्की बारिश की शुरुआत होती है, वो कैसे होती है? जब मॉनसूनल विंड साउथ वेस्ट में एंटर करती हैं उस वक्त सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है? साउथ केरला। मतलब क्या होता है? साउथ में केरला में सबसे पहले बारिश होती है और वहीं पे ईस्टर्न साइड में फर्स्ट वीक ऑफ जून आसाम में बारिश होती है। यानी वो मॉनसूनल विंड सबसे पहले एंटर करने के साथ ही, क्योंकि प्रेसिपिटेशन यानी लो प्रेशर है, वो केरला और आसाम में सबसे पहली मॉनसूनल रेन्स लाते हैं। बस्ट ऑफ मॉनसून यानी नॉर्मल रेनफॉल, यानी कि हमेशा लगातार होने वाली हल्की बारिश में जब अचानक तेज़ी से यानी सडन चेंज आता है और वो कंटिन्यूस यानी लगातार, जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक लगातार कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज तेज बारिश होती है, वो क्या कहलाता है? बर्स्ट ऑफ मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून अराइज एट द केरला बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। साउथ वेस्ट मॉनसून सबसे पहले कहाँ एंटर करता है? हिट इन द कोस्टल ऑफ केरला, यानी कोस्टल एरिया ऑफ केरला पे सबसे पहले बारिश होती है। और कब होती है? फर्स्ट वीक ऑफ द जून। और वहीं पे जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे क्या होती है? अराइव्स इन आसाम फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में सबसे पहले बारिश की शुरुआत होती है। अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days। अब जो अरेबियन सी ब्रांच है वो मुंबई तक, यानी कि शुरुआत केरला से हो गई, अब वहाँ से मुंबई यानी महाराष्ट्र तक
वो जो ट्रेड विंड्स हैं, मॉनसूनल विंड्स हैं, उनको पहुंचने में लगभग 10 दिन लगते हैं, यानी कि वो मुंबई और मुंबई के बाद गुजरात और रेस्ट ऑफ इंडिया में, यानी कि 10 डेज आप मान लीजिए, यानी वो स्टार्टिंग फर्स्ट वीक से वो 15 जून तक मुंबई में आता है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यानी गुजरात राजस्थान और यहाँ पे आने में तो उसे फर्स्ट वीक से 15 डेज ऑफ जुलाई यानी मिड जुलाई तक वो बाकी इंडिया में यानी नदर्न इंडिया मिडल प्लेट्यू रीजन वहाँ सब पर वो एंट्री करता है। मुंबई अबाउट 10 डेज और वहीं पे जो बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसूनल विंड होती हैं वो रेस्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट में फैलती हैं या बढ़ती हैं, रीचेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री। धीरे 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 फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से मिड जुलाई तक पूरे भारत में ये मॉनसूनल विंड स्प्रेड हो जाती है, पहुंच जाती है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मॉनसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। दिल्ली जनरली रिसीव द मॉनसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दिल्ली में जो मॉनसूनल रेन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही सबसे पहले पहुँचती है। By the end of June, tentative days 29th of June, यानी कि कोई डेट सर्टेन नहीं होती है। By the first week of July, western उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा eastern राजस्थान experience the monsoon. By mid July, the monsoon reaches हिमाचल प्रदेश and rest of the country. Mid July तक पूरे भारत में मॉनसूनल विंड स्प्रेड हो जाती है। अब हम बात करते हैं विड्रॉ की, यानी कि वापस बारिश ख़त्म होने का टाइम क्या होता है। तो अभी आप फील कर रहे हैं सितंबर है, मिड सितंबर या फिर थर्ड वीक ऑफ सितंबर का स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ हम महसूस कर रहे हैं कि जाती जाती यानी कि विड्रॉ होती हुई जो मॉनसूनल विंड है वो रेन शावर्स कर रही हैं, कुछ बारिश कर रही हैं। तो ये इसका कौन सा टाइम है? सितंबर, मिड सितंबर तक ये विड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो मॉनसून रेन्स आती हैं वो साउथ टू नॉर्थ आती हैं, और जब वो विड्रॉ करती हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ विड्रॉ करती हैं, यानी कि जब वो सर्कुलेट होती हैं तो उसी पोजीशन में सर्कुलेट होती होती वो वापस विड्रॉ कर जाती हैं। तो विड्रॉ जो इसका विड्रॉल टाइम है वो क्या है? बिगन इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। नॉर्थ ईस्ट से इसका विड्रॉ होने का टाइम क्या आ जाता है? बाय अर्ली सितंबर। अर्ली सितंबर में ये विड्रॉ करना स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे 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 साउथ से ये वापस टर्न हो जाती है। बाय अक्टूबर इट विड्रॉ कम्प्लीटली, और अक्टूबर तक ये साउथ से भी विड्रॉ कर जाती है। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मॉनसून शावर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो आइलैंड एरियाज हैं अपने अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, वहाँ पे भी वो हिट करती हैं अप्रैल से, यानी अप्रैल में हिट कर जाती हैं, वो भी साउथ से नॉर्थ की तरफ ही विंड जो मॉनसूनल विंड है वो आगे बढ़ती हैं, यानी कि वहाँ पर जो मॉनसूनल विंड है वो आगे बढ़ जाती हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मे द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। लेकिन जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ से विड्रॉल थोड़ा लेट होता है। लेट कैसे होता है? जब ट्रेड विंड्स हैं, क्योंकि सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ यानी चारों तरफ पानी होता है, मॉइस्ट जो हॉट बीच में जो अक्टूबर का टाइम होता है वो कैसा होता है? हॉट यानी गर्म, गर्मी का टाइम। अभी आप फील करते हैं कि मॉइस्ट एंड हॉट एकदम अजीब सा महसूस होता है उसमें, और जो हवाएं होती हैं हाई प्रेशर वो क्या करती हैं? लो में कन्वर्ट होती हैं और फिर वो वहाँ पे बारिश करती हैं। तब तक का समय जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है? हम ये फील करते हैं कि नवंबर एंड आते आते दिसंबर की शुरुआत में जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड वेव्स है वो इंडिया में एंटर करना स्टार्ट कर देती है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया किससे फील करता है? कोल्ड
वेदर कंडीशन को। और जो अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहाँ पे क्या होता है, विड्रॉल ऑफ मॉनसून, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया में विंटर मॉनसून की स्टार्टिंग हो जाती है। और जो जो आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वहाँ पे अभी मॉनसून का विड्रॉल होता है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मॉनसून। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि साउथ से मॉनसूनल विंड एंटर करती हैं और पूरे इंडिया में स्प्रेड होती हैं मिड जुलाई तक। रेन्स होती हैं और उसमें कहीं ज़्यादा और कहीं कम, क्योंकि डिपेंड करता है कि जहाँ वाटर बॉडीज़ और डेंस फॉरेस्ट है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ ड्राई एरिया है वहाँ बारिश कम होती है। जैसे ड्राई एरिया मीन्स डेजर्ट ऑफ हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया राजस्थान, और जो कोल्ड डेजर्ट है लेह लद्दाख, वहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन बाकी जगहों पर बारिश काफ़ी अच्छी होती है। मॉनसून कैसा है, लेट है और एवरेज है या अच्छा है, इस सब के लिए कहाँ से पता चलता है, विंड कंडीशनल इन द प्रेशर, यानी जो प्रेशर चेंजेस होते हैं पैसिफिक और इंडियन ओशन में, उसी से मॉनसूनल विंड से पता लगता है कि इस बार बारिश कैसी रहेगी। और वापस जब रिट्रीट करता है, यानी जब वो वापस जाता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ वो विंड वापस कमज़ोर होती हुई लौट जाती हैं। क्यों, किसके प्रेशर से, क्योंकि ये वो टाइम होता है जबकि सेंट्रल एशिया से कोल्ड वेव्स, यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईस्टर्ली फ्लो था इंडिया में, जो मॉनसूनल विंड लेके आया था, अब इंडिया के, आप जानते हैं कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व और रोटेट करती है, उसी की वजह से अब इंडिया किस में एंटर कर चुका है, वेस्टर्ली फ्लो में, यानी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में इंडिया एंटर कर लेता है। और यही वजह है कि जो सेंट्रल एशिया से, यानी ऊपर वाली साइड से जो कोल्ड वेव्स आती हैं वो हिमालय से होती हुई थी इंडिया में एंटर कर जाती हैं, लेकिन फिर भी इतनी ठंड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हिमालय बैरियर का वर्क करता है, तो उस टाइम में वहाँ पे स्नोफॉल होता है और बाकी पूरे भारत में बहुत तेज़ ठंड की शुरुआत हो जाती है। अब हम कोल्ड वेदर सीज़न की नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।